महागठबंधन बिहार सरकार के खिलाफ 13 नवंबर को देने वाली है महाधरना, और इस धरने को लेकर के खबर सामने आ रही है कि आरजेडी ने अपने लोगों से ये कह दिया है कि वो इस धरने में उस तरीके शामिल ना हो जिस तरीके से बात होती रही, ये बात प्रचारित हो रही। इस पे क्लियरिटी क्या है और क्या सच में आरजेडी ने अपने आप को अलग करने का फैसला किया है जिस तरीके से मांझी या फिर मुकेश सहनी ने चेतावनी जारी की है कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने को लेकर के, इसके बाद क्या स्टैंड है आरजेडी का इसको लेकर के, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जो हैं रामचंद्र पूर्वे जी हैं। पूर्वे जी, इस तरह की खबरें सर्कुलेट हो रही हैं कि नहीं, इस तरह की खबरें सर्कुलेट हो रही हैं कि जिस तरीके से जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी ने चेतावनी दी है महागठबंधन में खास करके आरजेडी को, उसके बाद आप लोगों ने अपने आप थोड़ा सा साइड कर लिया है? नहीं, हम लोग देखिए, हम लोग महागठबंधन में हैं, कहीं भी साइड करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि आप जानते हैं कि महागठबंधन के आर्किटेक्ट हमारे नेता लालू प्रसाद यादव हैं और हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव यह भी चाहते हैं कि भाजपा के खिलाफ में पूरे देश में गैर भाजपा दलों का महागठबंधन बनो, इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता अभियान समाप्त हुआ है और पंचायत से लेकर के प्रखंड, जिला और प्रांत और राष्ट्रीय स्तर पर हमारा संगठनात्मक चुनाव होना है, तो हमारे जितने भी रैंक एंड फाइल है इसमें लगे हुए हैं। अभी देखते हैं कि भीड़ भाड़ रसीद जमा करने के लिए, और चूंकि 72,000 बूथ है पूरे बिहार में और प्रत्येक बूथ पर हमारे, हम धन्यवाद देते हैं अपने कार्यकर्ता को कि गांव-गांव में जा करके लोगों से मिल कर करके प्रत्येक बूथ पर 4 सक्रिय सदस्य बनाने का इन्होंने काम किया है। यानी एक बूथ पर हमारा 100 प्राथमिक सदस्य बना है और कम से कम 4 सक्रिय सदस्य, कहीं 5 है, कहीं 6 है, कहीं 10 है। तो हम राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ता को धन्यवाद देते हैं इस काम के लिए, और हमारे राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी श्री जगदानंद सिंह के द्वारा जो फॉर्मेट भेजा गया है उसी फॉर्मेट में सिस्टमेटिक ढंग से लोग जमा कर रहे हैं, जिला में जमा कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो हमारे प्रांतीय नेता हैं वो किसी कारणवश जिला में नहीं पहुंच रहे हैं तो यहाँ भी जमा कर रहे हैं। तो हमारी बाध्यता है, इसके बावजूद भी राष्ट्रीय जनता दल 13 तारीख के धरना में सम्मिलित होगा। कौन कौन लोग शामिल होगा, क्योंकि मुख्य मुख्य रामचंद्रपुर जी मेरा सवाल ये, राष्ट्रीय जनता दल एक जमात की पार्टी है, इसमें हमारे राष्ट्रीय जनता दल का जो है रैंक एंड फाइल जिला में है, जिला में धरना है तो जिला के हमारे जो कार्यकर्ता नेता होगा उसमें सम्मिलित होंगे, इसमें कंफ्यूजन फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ महागठबंधन, इसलिए महागठबंधन के प्रोग्राम के साथ अपने को अलग रखने का राष्ट्रीय जनता दल का न कभी नियत रहा है, बल्कि हम लोग बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेते हैं। धन्यवाद सर। सर कुल 4 दल हैं, तो क्या आप अपील करेंगे कि बाकी लोग भी शामिल हों? कारण राष्ट्रीय जनता दल सम्मिलित हो रहा है इन स्पाइट ऑफ आवर इंगेजमेंट फ्रॉम गांव टू प्रदेश। तो बिल्कुल आरजेडी जो है वो कह रही है कि वो शामिल होगी, लेकिन बाकी के दल भी जो साथ में है महागठबंधन का जो हिस्सा है अब तक, वो भी शामिल हों, इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। सहयोगी आकाश के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।